लेडीज एंड जेंटलमैन डॉक्टर जयंतीलाल गड़ा साहब, जिनको हम सब जानते हैं नामी काफी ऑफ पेन स्टूडियोज। मैं राजामौली जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे इस फिल्म के साथ जुड़ने का मौका दिया। जयंती साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह का रेस्पॉन्स आज मिल रहा है ट्रेलर को, डू यू थिंक हाफ द बैटल इज वॉन? सबसे पहले तो राजामौली जी की फिल्म भाई, मतलब सोचना ही नहीं था, लेकिन जैसे इन्होंने बोला लैंग्वेज और बैरियर नहीं होता, मेरे साथ बहुत हुआ। क्योंकि धनैया जी प्रोड्यूसर हैं और इनको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मतलब हम लोग नंबर पे ही पेपर पे लिखते थे और एक दूसरे को समझते थे कि हम राजामौली जी तक कैसे भी करके कन्विंस करके ये मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाएंगे। ये पहली फिल्म होगी जो हर प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी। कभी पार्टनरशिप नहीं होती कि जी पे आने वाली फिल्म स्टार पे नहीं दिखती, तो ये पहली फिल्म होगी कि जो हर प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी। जयंती भाई, आपसे एक सवाल है। सूर्यवंशी का जो अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज़्यादा उसने बिजनेस किया, तो ये जो RRR है उसका आप क्या सोचते हैं? ये इतनी बड़ी फिल्म है, ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पुराना ज़माना था ये फिल्म से वापस आएगा। डिजिटल वालों ने भी एग्री किया है। ये पहली फिल्म है जो 75 to 90 डेज़ के बाद ही आएगी, तो लोग थिएटर में ही देखेंगे ये।